तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वी इलेवन प्रो में जो गूगल पिक्सल की नेविगेशन की रहती है, उसको आप अपने मोबाइल में कैसे इनेबल कर सकते हैं वीवो वी इलेवन प्रो मोबाइल में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल की नेविगेशन की को अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ सेटअप बाय सेटअप बताऊंगा। जो ये देखिएगा, ये जितनी जियो हमारे की हैं ये वो, तो उनको हटा के आप गूगल पिक्सल के की को कैसे इनेबल कर सकते हो, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू कर दें गाइस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डायरेक्टली आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज, आपको डाउनलोड करने के बाद, ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको वेलकम वेलकम। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में आपको, सॉरी राइट साइड में आपको एक पेज मिल जाएगा, इसको ओके करना है, ग्रैंट क्लिक करना है। ग्रैंट पर क्लिक करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे परमिशंस दे देनी है। तो ये रही आपकी नेविगेशन गेस्ट है और इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, अब गाइज इसको फिर से तीर को इनेबल कर बढ़ाना है और फिर से ग्रैंट करना है। ठीक है, तो गो टू हेल्प और उसके यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा ओके। और ये डिसेबल है, इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, अभी इनेबल हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पे मैं फिर से बढ़ा देना, मतलब कि जितने भी सेटअप हैं आपको सारे कर लेने हैं। और वाइट बार यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको ओके हो जाएगा और ये देखेंगे कि आपकी जो नोटिफिकेशंस की थी वो सेट हो जाएगी। अभी आपको करना क्या है कि इनेबल गेस्टर पिल, तो ठीक है इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो आपको देखेंगे कि ये ऐसे इस टाइप का कुछ आ गया। ठीक है, और यहाँ से हाइड करना चाहो तो आप हाइड कर सकते हो। इसको हाइड करने के लिए आपको जाना रहेगा अपने फ़ोन में और कैसे हाइड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इनेबल हो गई है। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, सिस्टम नेविगेशंस। और नेविगेशंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेविगेशन गेस्टर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि गाइस आपको जो है वो सिस्टम गायब हो जाएंगे, अपने आपके जो बटन है वो फिनिश हो जाएंगे। बट कुछ जब आप ये बटन यहाँ पर कुछ सेटअप करने को बोल सकते हैं आपको, तो पहले क्योंकि मैंने ये पहले कर रखा है ना ये गेस्टर को हाइड करने के लिए, तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा और यहाँ पर इनेबल हो जाएगा कुछ नहीं, मतलब कि तीन ऑप्शन आएंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज हम आपको क्या करना है कि आप इसे यूज करके देख सकते हैं कि ये वर्क करती है या नहीं। तो गाइज हम देख लेते हैं, हम पहले सेटिंग्स में जाते हैं, ब्लूटूथ ओपन करते हैं। तो अब गाइज अगर बैक जाना है तो आपको इस टाइप से एक बार करना है, बैक हो जाएगा। ठीक है, और रिसेंट ऐप्स को आपको निकालना है तो इस टाइप से कर देना, आपके रिसेंट ऐप्स आ जाएंगे। और मान लीजिए आपको होम स्क्रीन पे जाना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और जो आपके जो रिसेंट ऐप्स हैं वो आपको यहाँ मिल ही जाएंगे। ठीक है, और जो आपके जो रहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये जो आपका जो सिस्टम है जो नेट वगैरह सॉफ्टवेयर सेंटर से, वो आपको यहाँ पे इस टाइप से निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप करोगे तभी आपका निकलेगा। ठीक है, और कोई भी साइट है अगर आप मान लीजिए कट करना चाहते हो तो बीच में एक बार कट कर देना, हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से ये जो गूगल पिक्सल की गेस्टर नेविगेशन से बहुत ही अच्छे से काम करती है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। और आई होप कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और गाइस देख सकते हैं कि अच्छे से वर्क करेगी। आप बैक करना इस टाइप से कर सकते हो, और रिसेंट ऐप निकालना इस टाइप से कर सकते हो, और बीच में कट करना तो इस टाइप से ओके कर सकते हो। तो इस टाइप से बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाली है ये आप ये फ़ोन में। गाइस ये मैं वीवो वी इलेवन प्रो में सेटअप करके दिखाया, इसलिए मैंने वीवो वी इलेवन प्रो बताया। बट आप वीवो के किसी भी डिवाइस में ट्राई करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और अब गाइस एक बात रहती है कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों कि अगर आप चाहते हो अपने फ़ोन में गूगल पिक्सल का फुल लुक देना, मतलब नेविगेशन स्क्रीन से लेकर आइकन वगैरह सारी चीज़ों को सेटअप करना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।